एक्स्ट्रा टाइम। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. राजेश चौहान नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही क्रिकेटर जिन्होंने यूनिक टेस्ट रिकॉर्ड के अधिकारी हैं, जो सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर सके। जी हाँ, क्या आप लोगों को राजेश चौहान का नाम याद है, जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर थे और प्रसिद्ध स्पिन ट्रायो 90s के अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू और राजेश चौहान से ख्यात थे। इतिहास के पन्नों पे आज भी राजेश चौहान जी की नजरअंदाज करने वाली स्पिन रिकॉर्ड्स को याद की जाती है, जो सचिन तेंदुलकर को भी गर्व महसूस कराता है। जब भी राजेश जी इंडिया के टेस्ट सीरीज में खेले हैं, इंडिया सर्वोत्तम जीत आए हैं। उनके खेल गए 21 टेस्ट सीरीज से इंडिया को हर वक्त जीत हासिल हुई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर आपने गौर से देखा तो राजेश जी ने 21 टेस्ट मैचों से 16 मैच इंडिया में, 4 श्रीलंका और 1 न्यूजीलैंड में खेले हैं, जिसमें बैट्समैन जैसे सचिन अजहर, बोलर्स जैसे कुंबले एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। चौहान जी ज्यादातर थर्ड चॉइस में दिए जाते थे, कुंबले और वेंकटपति के बाद। इन दिनों की जोड़ी और खेलने के अंदाज से इंडिया की क्रिकेट को एक टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ा दिए थे। चौहान जी वर्ल्ड रिकॉर्ड से सबसे सम्मान देने वाली रिकॉर्ड में ये थे कि वो विश्व में सेकंड क्रिकेटर थे जिन्होंने लगातार बहुत से टेस्ट मैचेस जिताए, जो वेस्ट इंडीज के एल्डिन बप्टाइज के बाद स्थान ग्रहण किए हैं। अप्रैल 2007 में चौहान जी एक कार एक्सीडेंट में बहुत गंभीर से घायल हुए। उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे और गंभीर चोटें पैर, पीठ, हाथ और माथे पर आई थी। हाल ही में वो अब भिलाई छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उनका एक बिजनेस है और भिलाई स्टील प्लांट के प्रोफेशनल है। उनके 5 वर्ष के इंटरनेशनल करियर से उन्होंने 21 टेस्ट मैचेस में 47 विकेट्स 39.51 एवरेज में लिए थे। उन्होंने 35 ODIs भी खेले, जहां 29 वीकेंड्स के अधिकारी हुए। This is extra time. Extra time.